पुनेरी टोलनाशा वगैरह बहुत सपोर्ट किया इधर से लोग ने हमको, ये सब अच्छा लगता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के बज चुके हैं 9, तो अभी हम गांव में जा रहे हैं। तो गांव में थोड़ा अभी ट्रेडिशनल अलग ही प्रकार का वाद्य बजाने वाले, तो वो लगभग केरल से लोग मंगवाए उन्होंने, तो देखते हैं। तो बाकी ये वीडियो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना ताकि आपको पूरा एंजॉय हो सके। तो चले चलते देखते क्या होता। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? और इस वाद्य का नाम क्या है? केरला चंडे वादन। केरला चंडे वादन। तो कोल्हापुर में पहली बार आए हो ना? हाँ, कोल्हापुर में। तो आपकी कौन सी ट्रेडिशन है? क्या ट्रेडिशन कौन सी है? कल्चरल है। हाँ,
इंडियन कल्चरल है, भगवान के लिए, भगवान को है ना ये पसंद है। कौन सा ये वाद्य? ये वाद्य पसंद है भगवान को। कौन से कौन से? पीस पीस पैसा पैसा, उसके बारे में हमको मालूम है। हमारे गुरु जी बात करते थे। आप कितने कितने लोग हो? हम अभी 20 लोग अभी उधर उसका फार्म हाउस दिया अभी रहने के लिए, और बाद में सुबह हम जाते हैं उधर। सुबह सुबह के इधर तमिलनाडु से जाएंगे कि कोल्हापुर में रहते हो? नहीं, अभी सुबह हम उधर कर्नाटक का बॉर्डर आजू बाजू इधर को इधर रहते हैं। सांगली में 25 को और प्रोग्राम। और ढोल ताशा वगैरह आप देखते हो महाराष्ट्र? ये सब हमारा पूरा आइटम है ना। ये तो आपका होगा ना, हमारे यहाँ का कोल्हापुरी हलगी वगैरह देखिए वो कैसी लगती है? अच्छा लगता है। चाहत का नशा है, छा गया होना है। पुनेरी टोल नाशा वगैरह बहुत सपोर्ट किया इधर से लोग ने हमको। ये सब अच्छा लगता है। और नहीं, पर बजाते भी अच्छे आप। कितने लोग हैं? आप कितनी कितनी टीम कितनी है? हमारा 30-40 लोग का टीम है। और पूरा आपका कल्चर पूरा होता है? 3-4 घंटे का कार्यक्रम होता है? ऐसे नहीं है, हम फिक्स अमाउंट पहले हमारा गुरु जी बताते हैं। कोई जो इवेंटर है ना, उनको ऑर्डर देने के पहले फिक्स अमाउंट बताते हैं, बाद में हमको पेमेंट करते हैं। नहीं बजाय आपसे मिल रहा है। थैंक यू। तो फाइनली मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ। मैंने तो पूरा एंजॉय कर दिया है। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।